गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कल चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था, जिसकी स्टोरी थी सोना प्यासी थी, उसको प्यास लगी थी। शी वॉज थर्स्टी एंड वो पानी नहीं पी पा रही थी। क्यों? बिकॉज शी हैड अ बैड कोल्ड, उसकी वजह से। तो उसकी किसने हेल्प की थी? उसकी हेल्प की थी उसके भाई ने, जिसका क्या नाम था? राजू था। तो राजू ने उसकी हेल्प की थी। उसने कैसे हेल्प की? उसने अपने ट्रंक में वाटर को सक किया और उसके बाद उस वाटर को स्प्रे किया सोना के माउथ में, इस तरह से अपने अपनी सिस्टर की हेल्प की। और उसके बाद क्या हुआ? सिस्टर ने पानी पी लिया और उसने राजू को थैंक यू बोला। नाउ चैप्टर इसका क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 21 इन टेक्स्ट रिवीजन शीट। क्वेश्चन 1 क्या है? हु इज सोना? सोना कौन है? तो सोना कौन थी? सोना इज अ बेबी एलिफेंट। सोना कौन है? सोना इज अ बेबी एलिफेंट, मतलब छोटी सी एलिफेंट का बेबी को बेबी एलिफेंट। सोना इज अ बेबी एलिफेंट। क्वेश्चन 2, वाई सोना कैन नॉट ड्रिंक वाटर? वाई मतलब क्यों? सोना ने पानी क्यों नहीं पी पाया? क्यों? क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि, बिकॉज सोना हैड अ बैड कोल्ड। सोना को क्या था? बहुत ही कोल्ड था। बैड कोल्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था। सो शी वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक वाटर। क्वेश्चन 3, हाउ डज राजू हेल्प सोना? राजू ने सोना की कैसे हेल्प की? तो राजू ने क्या किया था? राजू सर्क्स इन वाटर विद हिज ट्रंक। पहले तो उसने क्या किया? अपने ट्रंक में पानी लिया एंड ही स्प्रेस वाटर इंटू सोनास माउथ। फिर उसने क्या किया? पानी पहले अपने ट्रंक में लिया, देन उसके बाद उसने सोना के माउथ में स्प्रे किया। स्प्रे जैसे वाटर गन से हम स्प्रे करते हैं कलर्स, वैसे ही। क्वेश्चन 4, वाई इज सोना नॉट एबल टू ड्रिंक वाटर? देखो क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4 ऑलमोस्ट सेम है, बस इसका क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग है। तो कभी भी एग्जाम में कुछ ऐसा आए आप कंफ्यूज नहीं होना। आंसर दोनों का सेम है, बिकॉज सोना हैड अ बैड कोल्ड। सोना को क्या था? बैड कोल्ड था, इसके लिए वो पानी नहीं पी पाई। क्वेश्चन 5, वेयर डज सोना लिव? लिव मतलब रहना। सोना कहाँ रहती थी? तो सोना, देखो यहाँ पे सोना वन पर्सन है, तो लिव में हमने एस लगाया हुआ है। सोना लिव्स इन द फॉरेस्ट। सोना कहाँ रहती थी? फॉरेस्ट में रहती है। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22, ग्रामर टॉपिक। ग्रामर टॉपिक क्या है इसमें? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट टेल्स द स्पेसिफिक नेम। ये नेम बताता है पर्सन का, प्लेस का, या किसी नाउन का। किसी नाउन बोले तो एनी नाउन, मतलब कॉमन नाउन और नेमिंग वर्ड। प्रॉपर नाउन एक और चीज़ है, ऑलवेज स्टार्ट विद, हमेशा स्टार्ट्स होता है कैपिटल लेटर से। कैसे स्टार्ट? कभी भी प्रॉपर नाउन जब आता है तो स्मॉल लेटर से कभी नहीं लिखा जाता। वो किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से। प्रॉपर नाउन का मतलब ही यही है कि अगर कभी भी आपको अंडरलाइन करने को आता है या कुछ भी, तो आप कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट के वर्ड को अंडरलाइन नहीं करना है या फाइंड आउट नहीं करना है, बिकॉज वो कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, स्मॉल लेटर से कभी नहीं। नाउ एक्सरसाइज क्या है इसकी? एक्टिविटी है। इट इज़ एन एक्टिविटी। कलर येलो, हमें येलो कलर करना है किस पे? प्रॉपर नाउन पे। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, पहले आपको रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है, देन कलर करना है फ्रॉम बॉक्स। नाउ फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या है? अमित। ये क्या है? अमित। अमित किसी बॉय का नाम होता है, तो यहाँ पे हमने येलो कलर किया। यहाँ पे देखो मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया है, इट इज़ अ बॉयज नेम। सेकेंड स्कूल, ये स्कूल तो है बट स्कूल का नाम नहीं है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो है बट इट इज़ नॉट अ नेम, तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन नहीं होगा। इंडिया, इंडिया इज़ अ कंट्री नेम, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। इंडिया क्या है? कंट्री का नाम है, तो क्या हो जाएगा? इंडिया प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट सोना, सोना क्या है? एलिफेंट का नाम है। इस चैप्टर में किसका नाम है? एलिफेंट का। तो सोना क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। डॉक्टर, डॉक्टर तो हैं बट डॉक्टर कौन से हैं, क्या नाम है उनका?
ये तो नहीं है, सो डॉक्टर प्रॉपर नाम नहीं हो। नेक्स्ट बुक, ये बुक है बट बुक का कोई नाम नहीं है, देर इज़ नो नेम ऑफ बुक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये नेमिंग वर्ड और कॉमन नाउन होगा। नेक्स्ट NEPS, NEPS मतलब न्यू एरा पब्लिक स्कूल, देखो यहाँ पे स्कूल था बट नाम नहीं था, बट यहाँ पे स्कूल का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा नेम, प्रॉपर नाउन, क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, सो NEPS वुड बी प्रॉपर नाउन। पेंसिल, पेंसिल है बट नेम नहीं है, सो नॉन प्रॉपर नाउन। मोरबी, मोरबी क्या है, सिटी नेम क्या है, मोरबी जहाँ पे हम रहते हैं सिटी का नाम क्या है, मोरबी, तो इट इज़ अ सिटी नेम, तो ये प्रॉपर नाउन है। गार्डन, गार्डन है बट देयर इज़ नो नेम, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन या कलर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्रॉपर नाउन। चेन्नई, चेन्नई देखो कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट है और चेन्नई क्या है, एक सिटी का नाम है, चेन्नई इज़ अ सिटी नेम, तो यहाँ पे हम येलो कलर से कलर किया है। नेक्स्ट प्रिया, प्रिया क्या है, एक लड़की का नाम है, इट इज़ अ गर्ल्स नेम, तो ये कलर किया है। हाउस कॉमन नाउन, मोहन, मोहन किसका नाम होता है, बॉय का नाम, एक लड़के का नाम मोहन होता है, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा। मार्केट, मार्केट इज़ अ प्लेस बट इसका नाम नहीं है कि कौन सा मार्केट है, सो इट इज़ प्रॉपर नाउन नहीं होगा, ये कॉमन नाउन होगा। नेक्स्ट रोहन, रोहन क्या है, रोहन इज़ अ बॉय नेम, क्या है, बॉयज़ का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन होगा। पेन, पेन यहाँ पे नाम नहीं है, पेन क्या है, इट इज़ ओनली अ पेन, तो नेम नहीं है, तो ये नेमिंग वर्ड और कॉमन नाउन होगा। नेक्स्ट कार्टून, कार्टून तो है बट कौन सा कार्टून है वो मुझे नहीं पता, देखो ये कार्टून है, नेम नहीं है, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, बट यहाँ पे देखो ये वाला टॉम, टॉम एंड जेरी हम लोग देखते हैं ना, तो टॉम क्या हो जाएगा, कार्टून नेम, तो इसको मैंने प्रॉपर नाउन में येलो कलर किया है, क्यों, बिकॉज कार्टून का नाम है टॉम, बट ये कार्टून का नाम यहाँ पे नहीं है, सो इट वुड नॉट बी प्रॉपर नाउन। इट इज़ अ शिवा, शिवा क्या है, बॉय का नाम है, शिवा क्या है, बॉय का नाम है, तो क्या हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन। फूड, यहाँ पे खाना तो है बट क्या है नहीं पता, पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा तो खाने में आता है तो नेमिंग वर्ड हो जाएगा। और इडली, इडली इज़ अ कंट्री नेम, इडली क्या है, कंट्री नेम है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करके हमें उसको कलर करना है। आप चाहो तो पेंसिल कलर या क्रेयॉन्स कलर जो भी घर पे अवेलेबल है अच्छे से आप कलर करना उसको। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया होगा, और इसके जो और भी डाउट्स होंगे हम ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर कर देंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड टुडेज होमवर्क इज पेज नंबर 21 एंड 22 इन रिविजन शीट।